स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज है हमारा भूटान में आखिरी दिन। आज रात तक हम वापस पहुंच जाएंगे हाशिमारा। हाशिमारा जाने का प्लान है हमारा रात तक। जयगांव तक तो हमको यही छोड़ेंगे हमारे गाइड जो हैं, पर हम सोच रहे हैं हाशिमारा तक चले जाएँ, क्योंकि कल संदीप भाई की ट्रेन तो है लगभग 11:30 बजे और मेरी है शाम को 4 बजे, तो 5 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो मैं 5 घंटे ट्रेन स्टेशन पर कैसे बैठूंगा, और मेरी ट्रेन भी लेट होनी है मेरे को पता है, और संदीप की भी ट्रेन लेट होनी है। तो हम सोच रहे हैं जयगांव से हाशिमारा जाके वहाँ होटल ले लें, फिर होटल का चेकआउट वेकआउट 3-4 बजे करेंगे आराम से एक्स्ट्रा चेकआउट लेके। तो आज है हमारे इस ट्रिप का सबसे खास दिन, जिसके लिए बंदे स्पेशल आते हैं, मतलब दो दो तीन तीन दिन निकाल के लोग आते हैं सिर्फ ये करने, जो कि है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की हाइकिंग करने, ट्रैकिंग कह लो, हाइकिंग कह लो, कुछ भी कह लो। तो इस हाइकिंग में हमारे गाइड बता रहे थे ऊपर चढ़ने में लगभग लग जाते हैं 3 घंटे, नीचे आने में 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लग जाते हैं। तो जब आप भूटान सर्च करोगे ना, सबसे पहले टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की ही फोटो आएगी। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। पारो से टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के मतलब जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक 1/2 घंटा लगता है पहुँचने में, उसके बाद आपको करनी पड़ती है 5 किलोमीटर की हाइकिंग। चलते हैं टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, आपको दिखाता हूँ कैसी है। और आज की वीडियो में ये भी देखेंगे, मैं ट्राई करूँगा विजिट करने की, कि फुनसिलिंग में जो गोल्ड शॉप है या फिर मतलब गोल्ड का प्राइसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे रील्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई भूटान में 30,000 रुपये गोल्ड है, 40,000 रुपये गोल्ड है। तो वो सब मैं आज ट्राई करूँगा अगर फुनसिलिंग में मार्केट खुली हो। वैसे मेरे को पता है गोल्ड का सही रेट क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा, आप कैसे जान सकते हो। भाई ये था हमारा पारो में होटल, क्या नाम था इसका, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी पीछे आपको दिख भी जाएगा, और काफ़ी डिसेंट होटल है, 3 स्टार में आपको रुकना पड़ेगा, रूल है। तो सही था, मेरे को अच्छा लगा होटल। तो अब चलते हैं हम टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की तरफ। यहाँ से हाउ मच टाइम इट विल टेक जम्सो फॉर द टाइगर नेस्ट? फॉर वन वे इट विल टेक अराउंड 2 hours। नो नो, फॉर फ्रॉम कार ओनली, फ्रॉम कार इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स। ओके, फिर 15-20 मिनट्स के बाद हाइकिंग शुरू होती है। ये वाला होटल था, सारे होटल सेम से लगते हैं भाई मेरे को, बस विंडो तो सबकी सेम है, बस रंग अलग है, किसी का वाइट है, किसी का ब्राउन है, किसी का येल्लो सा है, इस तरफ येलो या ऑरेंज हो गया, सबका वैसे डिजाइन सेम है। तो भाई ये हम पहुंच गए टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के बेस कैंप पे। यहां से हमने कर दी स्टॉप वॉच चालू, देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में, तो आपको पता चल जाएगा। इतनी हाइकिंग वाइकिंग मैं करता नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल फिट मान लो मेरे को, तो आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ पे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की एंट्री फीस है 1,000 रुपये, जो कि बेस कैंप से ही मिलती है। तो आपके गाइड अपने आप ही खरीद लेंगे, क्योंकि आप गाइड के साथ ही आओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे घोड़े भी मिल जाते हैं, घोड़े भी जाके बैठ सकते हो। इनका प्राइस है 800 रुपये, अगर आप मतलब सिर्फ घोड़ा घोड़ा लेते हो और घोड़े के साथ बंदा नहीं लेते, अगर बंदा भी लेते हो मतलब जो घोड़ा चलाएगा, फिर है 1,300 रुपये। अब चलते हैं ऊपर, स्टार्ट करते हैं भाई। वो है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, देखना अभी कितनी दूर है। अभी बहुत ऊपर है भाई, फट गई मेरी तो, अभी हुए होंगे 27-28 मिनट चलते हुए। तो भाई यहाँ पे हम रेस्ट एरिया में रुक गए, वो कैफे है आप देख सकते हो, वो है उसको कहते हैं मिड पॉइंट साहब, वो फिर वो जो ऊपर सफ़ेद वाला वहाँ देख रहे हो वो है व्यू पॉइंट, फिर ऐसे नीचे जाके और फिर ऊपर जाना पड़ता है, वो है मोनेस्ट्री। भाई बहुत दूर है यार अभी तो, ही इज चीटिंग अस। भाई हम पहुँचने वाले हैं कैफे, ये तो वही होटल का नाम है जहाँ हम रुके थे पुनाखा में। ये रोड ऊपर जा रही है, ये ट्रैक मतलब टाइगर नेस्ट तक, पर इन्होंने बोला यहाँ से भी जा सकते हैं, मैंने कहा कैफे में रेस्ट ही कर लेते हैं फिर। तो ये हम पहुँच गए भाई कैफे में, और कैफे से भाई वो है यार व्यू पॉइंट,
अभी भी कितना ऊपर है भाई, और वो है टाइगर नेशनल मॉनेस्ट्री, वहाँ जाना है भाई हमको यार, बहुत दूर है यार, अभी तो फट जाएगी भाई, सही बता रहा हूँ। सुबह के भाई 10:10 हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं अभी भी, और मैंने एक भी बंदे को अभी तक वापस आते हुए नहीं देखा है, तो मतलब अभी तक सब लोग चढ़ ही रहे हैं और वापस आना अभी तक किसी ने भी शुरू नहीं किया है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। तो भाई यहाँ पे ये पानी का भी झरना आ रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और ये पी सकते हो, मैंने अभी पी लिया, लिखा भी है कुछ बोटनी में लिखा है पर ये, चलो आगे चलते हैं भाई। ये हम आगे टाइगर नेस्ट के लेवल पे ही हैं, उससे ऊपर ही होऊंगा मैं अभी, तो अब यहाँ से नीचे उतर के जाना है व्यू पॉइंट तक, और इस व्यू पॉइंट पे पहुँचने के बाद बोल रहे हैं कि असली हाइक शुरू होगी, फिर भाई पता नहीं क्या ही कराना चाहते हैं। पहाड़ के बिल्कुल आ चुके हैं बैल में, देखो वो रह गया शहर कितना दूर है। तो भाई यहाँ से जो मेरे पीछे स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं सबसे डिफ़िकल्ट हाइकिंग इस रूट की पूरी, क्योंकि यहाँ से 700 स्टेप शुरू होते हैं, सीढ़ियाँ बिल्कुल प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 475 स्टेप यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर 225 स्टेप हमको ऊपर जाना, बीच में एक और व्यू पॉइंट आएगा, तो आते वक्त फिर 225 नीचे जाने हैं, 475 ऊपर आनी है। ओ भाई हेयर 4.8 किलोमीटर फिनिश, ओ 4.8 कर लिया यार, मेरा एप्पल तो गलत दिखा रहा है फ़ोन, पता नहीं कितना दिखा रहा है, 3-3.5 दिखा रहा है ये तो। चलो चलते हैं, 475 स्टेप अब गिनते रहो इनको बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 475, एक फ्लोर पे मान लो मेरे हिसाब से लगती होंगी 15-17 सीढ़ी लगती होंगी घर पे, तो डिवाइड कर लो उसको कितना होता है, मतलब 30 मंजिल नीचे उतरना है हमको और फिर 10-15 मंजिल ऊपर चढ़ना है भाई। देखो वो है कैफे, कैफे से आ गए हम इतना ऊपर, बहुत ऊपर आ चुके, वहाँ है वो भाई, वो बेस कैंप भाई, मैं दिखाना भूल गया, यहाँ से एक और व्यू पॉइंट था वहाँ से मस्त दिख रहा था, वो आ गया भाई टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, मतलब टाइगर नेस्ट टेम्पल भी कह सकते हो, मॉनेस्ट्री भी कह सकते हो। और संदीप तो पता नहीं कहाँ चला गया, आगे निकल गया भाई वो तो बहुत। भाई ये देखो हमको कौन मिला, अबे कितनी देर पहले पहुँच गया तू, सही सही बताइयो, 15 ही हैं, चल ठीक है फिर, तो फोटो खींची तू ना कोई, तो चल उसका टाइम देखेंगे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। फोटो तो अभी भाई इस झरने पे हो गए 475 स्टेप खत्म, ये बहुत जल्दी हो गए क्योंकि हमको नीचे उतरना था ना, तो पता नहीं चला 475 का, अब जाना 225 स्टेप ऊपर, ये 225 ऐसे लगेंगे कि 2000 स्टेप नीचे उतर गए हम। तो भाई यहाँ पे पहुंच गए मोनेस्ट्री के हम बिल्कुल दरवाजे पे, इसके आगे वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो खींचना सब मना है, यहाँ पे लॉकर है, वहाँ पे अपना फ़ोन जमा कराओ और फिर मॉनेस्ट्री के अंदर जाओ। तो मॉनेस्ट्री घूम के आते हैं, संदीप को पता नहीं मेडिटेशन भी करनी है ना। हाँ भाई करेंगे, 15-20 मिनट करेंगे, इतनी दूर ट्रैक करके आए हैं यार। ठीक है भाई, मेडिटेशन भी कर लेंगे, मॉनेस्ट्री घूमेंगे और फिर हम बाहर आके आपसे बात करते हैं। तो भाई ऊपर आने तक हमको लगा टोटल सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब मिला के टेम्पल के एंट्रेंस तक 2 घंटे 10 मिनट, अब जाते वक्त देखते हैं कितना लगता है। मैंने दोबारा स्टॉप वॉच शुरू कर दिया, मेरे हिसाब से 45-50 मिनट में उतर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो भाई उतरते उतरते हो गए 1 घंटे 10 मिनट, और पता नहीं भाई कितना ऊपर चढ़ गए थे हम, उतर ही नहीं पा रहे हैं, सांस भी नहीं चढ़े, रुके भी नहीं हम, पर टाइम लग रहा है भाई उतरते वक्त भी, 1 घंटा 10 मिनट, चढ़ते वक्त लगे थे 2 घंटे 15 मिनट लगभग, तो यार लगभग सही सेम सही हो जाएगा मेरे को तो लग रहा है, देखते हैं कितना है ना। भाई ये आ गए हम नीचे, और नीचे ना शायद हम गलत रोड से उतर गए, तो इसे ज़्यादा टाइम लग गया 1 घंटा 35 मिनट। तो अब चलते हैं खाना खाने, भाई मेरे तो आज मेरे को लग रहा है पैरों में बहुत दर्द होने वाला है, अब कुछ बात बात नहीं करते, गाड़ी में बैठते हैं। तो भाई मैं 4 दिन पहले आया था भूटान, और ये जो सारा टूर ऑर्गेनाइज किया था वो किया था द ट्रेवलर्स ट्रेल ने, और इनका इंस्टाग्राम का नाम है divine_bhutan, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारे तरह के टूर ऑर्गेनाइज करा देते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन का चाहिए आपका हो जाएगा, 1 महीना 1 साल तो चाहिए वो लोग का हिसाब से। ठीक है, आप कौन कौन से शहर वैसे घुमाते हो नॉर्मली? अभी जो भूटान में जनरली हम ये करते हैं वो कल्चरल टूर, क्योंकि अभी इंडियन लोग ज़्यादा कल्चरल टूर करते हैं, जो फॉरेनर इंटरनेशनल है वो लोग वो करते हैं ट्रैकिंग, वो लोग करते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 डेज का देते हैं इंडिया का, सिर्फ दे कैन ट्रैवल टिल बुमथांग, पुनाखा, पारो, थिम्फू एंड बुमथांग, फोबजिका, इवन आई वी आर डूइंग ईस्ट भूटान दैट टूर। ओके,
मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ पारो और थिम्फू टूरिस्ट के लिए खुले हैं, पर ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे शहर हैं। जितने भी आपके पास दिन हैं उसके हिसाब से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ज़्यादा जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, ये कह रहे थे है ना, व्हाट्सएप पे ज़्यादा जल्दी रिप्लाई दे दोगे। तो ये आपको ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप बागडोगरा एयरपोर्ट से करना है, NJP जो स्टेशन है अपना, सिलीगुड़ी स्टेशन है, वहाँ से आपको करना है, वो भी करवा देंगे अरेंज। जयगांव से करना है, हसीमारा से करना है, वो भी आपका अरेंज करा देंगे। तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से टूर पैकेज ये बना देंगे। तो भाई अभी यहाँ पे हम आ गए एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पारो ढाबा, मतलब ये हमको इसलिए लेके आ गए क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना मिल जाता है। तो हमने मोमोज ऑर्डर कर दिए और पनीर बटर मसाला और 10 रोटी खाते हैं और फिर हम निकलेंगे बॉर्डर की तरफ। भाई अपना स्टार्टर आ चुका है, अब भूटान में तो स्टार्टर में मोमोज आएंगे। ये चटनी है, सूप से भी देते हैं पम्पकिन सूप साथ में और पाँच देना। भाई कितने बड़े बड़े मोमोज हैं, गोल नहीं है, लंबे बड़े हैं काफ़ी। भाई इनकी ना मोमोज की चटनी बहुत मस्त है, पूरे नेपाल मतलब नेपाल खैर भूटान में ऐसी मिली है। ले आ गए अपने पनीर बटर मसाला, 10 रोटी खाते हैं चलते हैं। भाई पूरे भूटान में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो है पारो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आप देख सकते हो इसका व्यू पूरे एयरपोर्ट का, स्पेशल लेके आए कि यहाँ से आपको बर्ड्स आई व्यू दिखाएंगे। वो देखो दो एयरलाइन खड़े हैं जिस पे भूटान का फ्लैग है, वो तो डर्क एयर जो कि नेशनल एयरलाइन है, वो दूसरी वाली जिस पे मछली छपी हुई है वो प्राइवेट है। ये पूरा भूटान का एयरपोर्ट, मतलब 5-6 डोमेस्टिक भी हैं पर इंटरनेशनल सिर्फ एक है पूरे देश में जो कि पारो में है। तो भाई ये पहुंच गए हम वापस फुनसोलिंग और यहाँ से अब करना है बॉर्डर क्रॉस हमको। तो भाई इस वीडियो में ना मैं थोड़ा वो बताना भूल गया आपको गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड का ये बता रहे हैं कि दुकान 3-4 बजे बंद हो जाती है, सुबह 10 बजे खुल के। तो जितना भी आपने रील में देखा है, वीडियो में देखा है, जितने भी बंदे घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, सारे के सारे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं बस व्यूज़ पाने के लिए। मैंने एक साइट नीचे लिंक कर दिया जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि डेली गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। 20 ग्राम गोल्ड का रेट उन्होंने वहाँ पे लिख रखा 24 कैरेट। तो संदीप और मैंने हिसाब लगाया था, इतना कुछ नहीं बच रहा, मतलब वही है कि परेशान हो जाओगे फालतू में आप, और पे आपको $US में करना पड़े। काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो कि सारी उनकी साइट पे लिख रखी है, वो आप जाके पढ़ सकते हो। अब करते हैं यहाँ से क्रॉस अपने जयगांव में, इंडिया में आ गए भाई वापस इंडिया। तो भाई कल रात को हम आ गए थे जयगांव, जयगांव ही रुक गए, हासीमारा हम नहीं गए। थोड़ी गोल्ड के बारे में और चीजें बता देता हूँ मैं पहले, और चीजें बताने से पहले कि आप 20 ग्राम गोल्ड ले सकते हो, ना उससे कम ले सकते हो ना ज्यादा ले सकते हो। आपको एक दिन भूटान में रुकना ही पड़ेगा जिसमें आप SDF पे करोगे, होटल पे करोगे, गाइड वाइड सब लेना पड़ेगा आपको, वो सब आप पे करोगे तब आप गोल्ड के लिए एलिजिबल होते हो। तो जो भी भाई मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जो घर पे बैठ के वीडियो बना के आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भाई, उन पे बिल्कुल यकीन मत करा करो ट्रैवल की। तो खासकर जो बंदा सच में ट्रैवल कर रहा है भाई, उसको तो लोग गालियां लिख के चले जाते हैं, अबे तेरे को क्या पता। और जो भाई ज्ञान दे देते हैं बस, उनको कहते हैं वाह भाई वाह। तो हमारे गाइड भी कह रहे हैं यार मेरे पास इतने फोन आते हैं इंडिया से कि भाई सच में गोल्ड वहाँ पे 27,000 का है क्या, 40,000 का है क्या। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही गोल्ड का प्राइस है, बस यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा। तो 2-4 हज़ार प्राइस सस्ता है, वो भी आपको डॉलर में पे करने पड़ेंगे, आप डॉलर कन्वर्ट करा के लाओ, कन्वर्जन चार्ज लग जाएंगे, तो लगभग सेम है, ठीक है। फिर हम आ गए थे यहाँ पे जयगांव में। इस बार हमने आराम लॉज नहीं लिया, थोड़ा अच्छा होटल ले लिया था। संदीप जैसे कि आप देख रहे हो जा चुका है सेम सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस से वापस दिल्ली की, सुबह उसकी थी 11 बजे की ट्रेन, तो हासीमारा चला गया था। मेरे को अभी 12:30 बजे चेकआउट करना है। कल मैंने इनसे कहा भाई कि मेरी 4 बजे की ट्रेन है, मेरी कोलकाता के लिए ट्रेन है, कि मेरी 4 बजे ट्रेन है और मेरे को भाई दे दो 2 बजे तक का चेकआउट दे दो, 2 बजे मैं कुछ खा लूंगा और फिर इतनी देर में निकल जाऊंगा। कहते 2 बजे तक चेकआउट चाहिए ना, और ये कहते 12:30 तक तो फ्री कर लो चेकआउट, 11:30 हमारा वैसे ही टाइम है। कहते 2 बजे तक चेकआउट चाहिए ना, तो 50% रूम का हम एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 2000 का कमरा था तो 1000 रुपये। मैंने कहा भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को ही चाहिए इतना तुम्हारा एक्सपेक्ट। भाई कुछ सेंस बनती है, 200 मांग लो, 300 मांग लो, 50%। फिर कहता चलो मैं बॉस से बात करूंगा। मैं कहा मत करियो भाई बॉस से बात, मैं 12:30 बजे चेकआउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जाएंगे खाना खाने, फिर मैं चला जाऊंगा स्टेशन पे। इस सीरीज को भूटान की रखते हैं यहीं तक, अब हम जा रहे हैं कोलकाता, एक नए देश की तरफ, वो भी उस देश में भी हम जाएंगे ट्रेन से।